Actress Parineeti Chopra's starrer film Saina finally hit the silver screens today. The film is based on the life of badminton ace Saina Nehwal. The film is directed by Amol Gupte and was shot in 2019. It was originally supposed to release in summer last year but got delayed due to the pandemic. As now the film is finally released, let's check out some public reactions. Very nice, very inspiring, motivational. और अमोल गुप्ते का डायरेक्शन बहुत अच्छा है और परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है. बहुत अच्छा. उसमें साइना नेहवाल जो बैडमिंटन प्लेयर हैं उनका रोल उन्होंने दर्शाया है. सो वट एवर अप्स एंड डाउन शी हैज़ गॉन थ्रू द स्ट्रगल एंड यू नो हर अचीवमेंट्स अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है. जरा भी नहीं लगा मतलब वो रिजेम्बलेंस इतनी अच्छी मतलब लगी तो बहुत अच्छा उन्होंने अपना किरदार निभाया. और इससे पहले भी सभी क्रिटिक्स ने बहुत अच्छा यू नो शी हैज़ गॉट वेरी गुड यू नो रिव्यूज. नीति चोपड़ा की एक्टिंग बहुत अच्छी है. इसने इसमें जो बैडमिंटन चैम्पियन का रोल किया है और बचपन से इस लेवल तक जो पहुंची है वो बहुत ही अच्छा रोल उसने किया है. द मूवी वाज ऑन टॉप ब्लास्ट. साइना नेहवाल का रोल ऑब्वियसली स्टोरी तो मैंने देखा, उसका इंटरव्यू भी काफ़ी हद तक देखा, तो पूरी तरह से मूवी मैच करती है. एंड साइना नेहवाल का जो रोल है परिणीति चोपड़ा ने, हाँ हार्ट्स ऑफ. उसकी मॉम का जो रोल, डैड पहले से प्लेयर है, मॉम भी पहले से प्लेयर है, तो बच्ची कैसे प्लेयर नहीं पैदा होगी यार. सवाल ये था, मॉम है पहले से घर में जो है ना, तो लाइक तो गोल्ड मेडल्स बिलोंग सुपर. मतलब कि अगर एम एस धोनी स्पोर्ट्स मूवी के बाद कोई मेरे को अच्छी लगी तो साइना लगी. अच्छी मूवी है और परिणीति चोपड़ा का काफ़ी अच्छा एक्टिव, अच्छा एक्शन, अच्छा काम किया उन्होंने. और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही स्पोर्ट्स के ऊपर इंडस्ट्री वालों को जो पिक्चर बनाना चाहिए और वो पब्लिक को जो है अच्छा मैसेज मिलते रहे और हमेशा स्पोर्ट्स के ऊपर एक अच्छी मूवी. परिणीति ने बहुत अच्छा काम किया है साइना के में और बहुत अच्छा लगा. मूवी काफ़ी अच्छी थी, जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी थी और जो सपोर्ट दिखाया है उसके पेरेंट्स ने वो काफ़ी अच्छा था. लाइक मुझे तो रोना आ रहा था बीच बीच में. वो स्टार्टिंग का पार्ट काफ़ी इमोशनल था एंड ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी थी. नाउ लेट्स सी हाउ मेनी स्टार्स दे गिव द मूवी. आई विल गिव 4.5. 5 में से इसमें 3 स्टार. आउट ऑफ 5 आई विल गिव 5. 3.5. मेरे हिसाब से 5 स्टार मिलना चाहिए. मैं 4.5 दूंगी. आईनेस रिपोर्ट.